हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद होगा रेजोनेंस एनर्जी पे बातचीत की थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का लेक्चर जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट पे डेडिकेटेड है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी एक तरह का रेजोनेंस ही होता है, रेजोनेंस को ही एक स्पेशल केस को मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो आज मीजोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं बताऊं कि इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट यू शुड नो मीजोमेरिक इफेक्ट। जितनी अच्छी मीजोमेरिक इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी ऑर्गेनिक समझने में, उतना ही आपको आगे आसानी होगी। ठीक है, तो मैं लेक्चर 8 से शुरू कर रहा हूं। लेक्चर 8, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं जाना जाए। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में को अच्छे से समझने के लिए मैं बताऊं, ये दो तरह का होता है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट क्या होता है समझा जाए। पहली चीज, जब भी किसी रेजोनेंस में है ना, जैसे ये है, आपको की एटम पर लोन पेयर दिखाई पड़े। ठीक है, की एटम पे लोन पेयर दिखाई पड़े। अब यहां पे होता क्या है, लोन पेयर जो है, ठीक है, वो पाई की तरफ जाता है, ऐसा मैंने रेजोनेंस के केस में आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, सॉरी, इसको प्लस एम इफेक्ट कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आपसे दूर जाता है, ठीक है, इसको माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आपसे दूर जाए, आपके ऊपर पॉजिटिव छोड़ जाता है, इसलिए इसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं और ये बहुत ऐसे रेजोनेंस होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगाते हैं, ठीक है, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है ना लोन इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सारे केसेस जो है वो प्लस एम का केस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद याद रखिएगा, प्लस एम का मतलब क्या होता है, जब भी पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर प्लस एम इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्हेनेवर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और लोन इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, विथ पाई बॉन्ड, वी से दैट ग्रुप एग्जिबिट्स प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, वो ग्रुप जो है प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो ये जो ग्रुप है, अगर इसके पास लोन पेयर है, ये ग्रुप इसके पास नेगेटिव चार्ज है, या ग्रुप इसके पास लोन पेयर है, और ये जो है अल्टरनेट पे, यानी पहला दूसरा तीसरे पाई बॉन्ड हो, ठीक है, या यहां से भी गिन सकते हैं, है ना, अगर आप इसको ऐसे गिन सकते हैं कि पहले पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब तीसरे पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ है ना रेजोनेंस में। तो जब भी किसी ग्रुप का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ हो, या नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हो, या लोन इलेक्ट्रॉन पाई बाउंड के साथ रेजोनेंस में हो, उस ऐसे तमाम ग्रुप को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं कि वो कैसा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। प्लस एम इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भगाते हैं, और अगर आप नेगेटिव को अपने से दूर करेंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इसको है ना पॉजिटिव चार्ज वाला एम इफेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज क्या, माइनस एम इफेक्ट कैसे देखेंगे, तो माइनस एम इफेक्ट के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो माइनस एम इफेक्ट में की एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से ये जो अल्टरनेट पे है ना, देखिए आप, ये पहले पे पाई बॉन्ड और तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और ये पाई बॉन्ड जो है ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, तरफ जाएगा। तो ये ग्रुप जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये अगर अपनी तरफ खींचता है, तो अब कोई चीज अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और इसलिए इसे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पार्शियल नेगेटिव,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे भी जो है ना ये ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ग्रुप है ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आने की कोशिश करेगा इस पॉजिटिव की वजह से, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे पहचाने कोई ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करता है कि माइनस एम इफेक्ट, तो मैं कहूंगा अगर कोई ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो उसके पास लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए की एटम पे, जबकि अगर कोई ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है ठीक है तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए की एटम पे, या फिर है ना की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो मैं यहां पर इसी तर्ज पर लिख रहा हूं कि whenever any group contains पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज then that group may exhibit माइनस एम इफेक्ट। तो वो माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई हमारी यहां पे, है ना, ये पहली बात हुई ठीक है कि माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। अब दूसरी बात क्या, ये पहला अंतर था, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरी बात ये ऑफकोर्स मैं प्लस एम इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, और प्लस एम इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। दूसरी बात क्या, मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जो माइनस प्लस एम इफेक्ट शो करता है, मान लीजिए ये फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, यहां पे एक फिनोक्साइड आयन है ये, और आप देख ही रहे हैं कि अगर पाई बॉन्ड, पहले पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब ये तीसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड के साथ है ना कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो चूंकि इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ग्रुप जो है, आपको पता है कि जिन लोगों के पास है ना नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां पर मैं प्लस एम इफेक्ट का जो एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें मेन की एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना पहले ही सिखाया है, तो यहां पर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा पाई पाई, ठीक है, फिर ये नेगेटिव इस पाई के साथ रेजोनेंस में होगा और ये चीज ऐसे आ जाएगी, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर ये लास्ट बार ये भी ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ये मैंने आपको पहले सिखाया भी है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, यहां पे ओ है और यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने प्लस एम के केस में बनाए हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप जो प्लस एम माइन प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इस ग्रुप की वजह से है ना इसके ऑर्थो पे नेगेटिव आया, फिर पैरा पे आया और फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो आप पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज भले ही फैला हुआ है पूरे रिंग पे, ठीक है, पूरे रिंग पे, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज या तो ओ पे है या ऑर्थो पोजीशंस पे है या फिर पैरा पोजीशंस पे है, पैरा पोजीशन पे है, नेगेटिव चार्ज है यहां पे। तो दो बातें मैं यहां पे कह सकता हूं, अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल से पूछेंगे कि तुम इस ऑक्सीजन लगे हुए बेंजीन रिंग पे जाना चाहते हो या फिर एक नॉर्मल बेंजीन रिंग पे जाना चाहते हो, ठीक है, नॉर्मल बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाहते हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का कहना होगा कि मैं इस रिंग पे जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहां पर है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है क्योंकि इसका रिंग नेगेटिव है, जबकि आपका रिंग जो है वो न्यूट्रल है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्लस एम वाले ग्रुप के लगने के वजह से इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, यानी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए
एक्टिवेट हो गई है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल बेंजीन रिंग की तुलना में ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने की वजह से ही ये रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर रहा है। एक्टिवेशन का कारण क्या है? इस ग्रुप के अटैच होने से बेंजीन रिंग पे पार्शियल क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो एक बात तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि है ना, एक चीज लिख सकता हूं क्या कि व्हेनेवर अ ग्रुप हैविंग प्लस एम इफेक्ट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये बात हमें यहां पे सीखने को मिली, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इस इलेक्ट्रोफाइल से पूछेंगे ठीक है तुमने ये तय कर लिया कि तुम्हें इस बेंजीन रिंग के बजाय इस बेंजीन रिंग पे अटैक करना है जहां पे प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन प्रेफर करेगा, मेटा नहीं करेगा क्योंकि मेटा ऑर्थो पे नेगेटिव है, और पैरा भी प्रेफर करेगा क्योंकि पैरा पे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर क्या जाएगा, पैरा पे जाएगा। ठीक है, ये भी ऑर्थो कहलाता है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो मैं कह सकता हूं एक चीज तो मुझे समझ में आई कि ऐसे ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं उससे बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है, एक्टिवेट होने के अलावा ये ग्रुप के अटैच होने से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, यानी ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि एक बात तो ये हो गई जो मैंने यहां लिखी है, दूसरी बात मैं यहां लिख देता हूं कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप जो होता है दे एक्ट एज एक्टिवेटर प्लस एम इफेक्ट ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स का मतलब हो गया कि ये बेंजीन जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। यहां पे मैंने एक्टिवेटर लिखा है, ग्रुप एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। तो फिर मैं बताऊं आपको, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूं मैं थोड़ा पहले पीछे जाके क्या कि अगर कोई ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या लोन इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसा ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है अगर ये चीज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, एक बात। दूसरी बात, ऐसा ग्रुप जो होते हैं वो मैंने यहां पे रेजोनेंस से दिखाया आपको, वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इसलिए ऐसे ग्रुप को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को के लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करने को आए कि तुम कहां जाओगे तो ये अक्सर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको एक्टिवेटर के अलावा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहा जाता है। अब इसी तर्ज पर दूसरी बात जो मैं माइनस एम इफेक्ट के लिए कहना चाहता हूं वो क्या है, देखिए, तो सेकेंड चीज क्या, अगर माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, ठीक है, अगर माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने एक कार्बोकेटायन ले लिया है ना, ये CH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड के साथ ऐसे कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के, ठीक है। अब होता क्या है अगर आप इसका रेजोनेंस करिए, चलिए मैं इसका रेजोनेंस करता हूं, पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और इस पाई बॉन्ड के यहां जाने की वजह से यहां पॉजिटिव आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचना है ये मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया है,
अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई अगर यहां से ही डायरेक्ट देखना शुरू कर रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हैं वो अच्छी तरह से पढ़ें, तभी आगे आपको समझ में आएगा। यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये पहले से था, ठीक है, ये पाई बॉन्ड पहले से था, और यहां पर इसके जाने की वजह से यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार आप ऐसे ही करिए, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग जो है कुछ इस तरह से बिहेव करेगी कि यहां पाई बॉन्ड हो गया, यहां पाई बॉन्ड हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे है ना CH2 हो जाएगा। एंड लास्टली फिर से ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव की तरफ आएगा और चीजें इस तरह से हो जानी चाहिए। क्या पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और यहां पे CH2 और यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इस बेंजीन रिंग में हुआ क्या है, इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं बाहर की तरफ। आप देख रहे हैं यहां जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी बाहर चले गए, और बाहर चले गए इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से बाहर जा रहा है, यानी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो घट गई है, और घटी है इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इसके ऊपर क्या आ गया है ना पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया CH2 है ना डॉट 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 डॉट, तो मैं यहां पर डेल्टा पॉजिटिव लगाऊंगा है ना, ऑर्थो पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव लगाऊंगा, फिर पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव लगाऊंगा, और फिर से ऑर्थो पोजीशन पे मैं डेल्टा पॉजिटिव लगाऊंगा। तो यहां पे हो क्या रहा है कि एक बेंजीन रिंग जो है वो उसके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि एक नॉर्मल बेंजीन रिंग जो होगी उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको न्यूट्रल रहेगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल से पूछेंगे कि तुम कहां जाना चाहोगे, ठीक है, एक ऐसे बेंजीन रिंग पे जिस पे माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, घट गई है, या नॉर्मल न्यूट्रल बेंजीन रिंग पे जाओगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा नहीं, मैं अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं न्यूट्रल वाले पे अटैक करूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस ग्रुप के अटैच होने से, इस ग्रुप के, इस माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप के अटैच होने से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है। तो मैं कह सकता हूं इस ग्रुप के अटैच होने से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स डीएक्टिवेट कर गई है, ठीक है। तो इस बात को कहीं लिख लेते हैं, क्या पहली चीज क्या कि यहां लिख रहा हूं, व्हेनेवर अ ग्रुप हैविंग माइनस एम इफेक्ट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इट डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग इट डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हेंस दे आर called deactivators, hence they are called deactivators, ठीक है। तो इनको जो है deactivators कहा जाता है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को कहें नहीं तुम मजबूर हो, तुम ये बेंजीन रिंग का ऑप्शन नहीं, तुमको यहीं जाना है, तो कहां जाओगे, तो ये कहेगा इलेक्ट्रोफाइल मैं यहां नहीं जा सकता क्योंकि पॉजिटिव है, मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी नहीं जा सकता क्योंकि यहां पॉजिटिव है। तो अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूर किया जाएगा कि नहीं तुम्हें इस बेंजीन रिंग पे अटैक करना है, तो जरूर ये जो है मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, दूसरी बात क्या है कि एनी ग्रुप विच एग्जिबिट्स माइनस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं है ना, दे डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन चाहता हो, है ना, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स लविंग हो, तो दे डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स मेटा पोजीशन हेंस दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टर्स। तो यहां पे भी
हम लोगों ने वैसे ही दो बातें सीखी जैसे पहले सीखी थी। यहां पे क्या सीखा था, हम लोगों ने यहां सीखा था कि किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर ऐसा ग्रुप इफेक्ट जुड़ जाता है जो माइनस एम प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो बेंजीन रिंग को है ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स डीएक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। जबकि अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से जो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर देता है और ऐसा ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल को मेटापोजिशन की तरफ डायरेक्ट करता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने एक मेसोमेरिक इफेक्ट का बेसिक डेफिनेशन दे दिया, मैं फिर से रिवाइज करूं। मेसोमेरिक इफेक्ट वहां होता है जहां या तो लोन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज होते हैं की एटम पर। ग्रुप ऐसे अटैच होने पर बेंजीन रिंग या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाती है या फिर डीएक्टिवेट हो जाती है। और तीसरी बात है कि कुछ लोग मेसोमेरिक जो शो करते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। अब हम लोगों ने यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट समझ लिया, आइए अब उस ओर बढ़ते हैं जहां पर हम ग्रुप्स को है ना इन्हीं दो पैरामीटर्स एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर, इन दो पैरामीटर्स के आधार पर ग्रुप को क्लासिफाई करके देखते हैं कि कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ग्रुप्स को पहचानना सीखें है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको पता है कि ये ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है कि माइनस एम इफेक्ट शो करता है, एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, कैसा डायरेक्टर है, तो इन सब चीजों की अगर आपको अच्छी समझ होगी तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया ना कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या खूबियां हैं ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहले इसमें दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि अगर आपको यह तय करना है कि ये क्या कहते हैं ग्रुप एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, तो ये हमेशा आप डोमिनेंट इफेक्ट से तय करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, मैं भी एक एग्जांपल से डेमोंस्ट्रेट करूंगा। तो याद रखिएगा एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर is decided by dominant effect, जो भी dominant effect होता है वो decide करता है, ठीक है, is decided by dominant effect, एक बात। दूसरी बात क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा कि मेटा डायरेक्टर, ये तय होता है आपका ना वो मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर इज डिसाइडेड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। तो याद रखिएगा इन दो बातों को अगर आप याद रखते हैं तो आप ग्रुप्स को पहचानना सीख जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर जो है वो हमेशा डोमिनेंट इफेक्ट से तय होगा, जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है ये हमेशा मेसोमेरिक से, डोमिनेंट से नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट से तय होगा, ठीक है। तो ये बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइए हम इसका केस में पहला केस लेते हैं, केस नंबर वन फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके साथ मान लीजिए एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है, OH अटैच्ड है, तो ये OH ग्रुप पर अगर मैं देखूं, अगर इस OH ग्रुप पे देखूं तो मुझे यहां पर लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, मुझे यहां पर लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, और इस लोन पेयर के होने की वजह से ये ग्रुप है जो है वो मैं कह सकता हूं कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले लोगों की खास बात होती है उनमें लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या लोन इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले लोगों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है,
और जहां तक इंडक्टिव इफेक्ट की बात है तो ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि आपको इंडक्टिव इफेक्ट ने पढ़ा है OH माइनस आई शो करता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमेशा दोनों इफेक्ट लिख लिया कीजिए, मीजोमेरिक और इंडक्टिव, ठीक है, और फिर तय किया जाएगा। अब आपको पता है कि 99% केसेस में मीजोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेंट होता है, रेजोनेंस बहुत ही पोटेंट इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कमजोर इफेक्ट होता है, तो ये डोमिनेंट है, ठीक है। अब डोमिनेंट इफेक्ट ये है, डोमिनेंट को मैंने रेड बॉक्स में कर दिया है, तो याद रखिएगा जो भी डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर तय करता है, ठीक है, एक्टिवेटर ही होगा कि डीएक्टिवेटर होगा, डोमिनेंट इफेक्ट तय करेगा। तो यहां पर अगर आप इसका प्लस एम इफेक्ट देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा और यहां बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी बढ़ती है किसी ग्रुप की वजह से तो वो एक्टिवेटर का काम करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग की तरफ अटैक करने के लिए एक्टिवेट करेगा, है ना, बेंजीन रिंग को भी एक्टिवेट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक एक्टिवेटर ग्रुप है, ठीक है, एक्टिवेटर ग्रुप है, ठीक है। तो एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, ये तो आपका डोमिनेंट ग्रुप से तय हो गया। और दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर होगा, है ना, ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ मीजोमेरिक से तय होती है, इंडक्टिव से डोमिनेंट इफेक्ट से तय नहीं होती। तो यहां पर अगर आप है ना मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो मीजोमेरिक इफेक्ट का देख रहे हैं आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कैसा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये ग्रुप जो है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, ठीक है। तो एक एक ग्रुप मैंने यहां पे आपको बता दिया कि कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो है ना जो जिनमें प्लस एम और माइनस आई होता है और एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास, ऐसे ग्रुप्स के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे OH होगा, लोन पेयर है, या NH2 ग्रुप हो गया, यहां पे भी लोन पेयर है, या SR ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया थायोल का, या अमीन्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, NH4 हो गया, या NR2 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिनके पास भी लोन पेयर होंगे वो बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जहां पर ग्रुप को आप पहचान लिया, आपने देखा हाँ यार लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, माइनस आई भी है, इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट होता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट की वजह से एक्टिवेटर और नेगेटिव चार्ज प्लस एम इफेक्ट में ऑर्थो पैरा पे आता है, तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। अब आइए सेकंड केस देखते हैं। अगर मैं इसका दूसरा केस देखूं, केस सेकंड, सेकंड केस, अब यहां क्या है, एक ऐसा ग्रुप ले रहा हूं जिस पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसी की तरह है, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले तमाम लोग के पास या तो लोन पेयर होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करिए तो आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में ये प्लस आई शो करने वाला ग्रुप है, ठीक है, इसलिए अगर इंडक्टिव की बात करिएगा तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट इफेक्ट शो करता है। तो मैं देख सकता हूं कि इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में बस किसका फर्क है, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क है, यहां पे प्लस एम माइनस आई था, यहां पे प्लस एम प्लस आई इफेक्ट है। आप जानते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है मैक्सिमम केसेस में, इसलिए अगर मैं इस इफेक्ट को डोमिनेंट मान लूं तो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले लोग जो है वो अगर प्लस इफेक्ट से ये बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने से है ना बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट हो गई है, तो मैं कह सकता हूं प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और इस वजह से ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा। और चूंकि प्लस एम से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव आता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में डायरेक्ट करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर पिछला केस वन और केस टू में ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, ये ग्रुप भी जो प्लस एम माइनस आई शो करते हैं और प्लस एम डोमिनेंट होता है वो भी एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, और वो ग्रुप जिसमें प्लस एम प्लस आई होता है, जिसमें प्लस एम प्लस आई इफेक्ट शो करता है,
है ना, वो ग्रुप भी जो है और प्लस एम डोमिनेंट होता है, वो ग्रुप भी एक्टिवेटर और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर की तरह काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों केसेस में जो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनल वो तो सेम है, लेकिन उनके जो दो इफेक्ट है जिनसे वो उनकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्न हो रही है वो दोनों डिफरेंट है। पहले केस में प्लस एम माइनस आई था, प्लस एम प्लस आई है, तो आपको ये जानना चाहिए कि कैसे जज करना है। आप देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा जज करने आना चाहिए कि हाँ इसमें प्लस एम है कि माइनस एम है, प्लस आई है कि माइनस आई है, कौन सा डोमिनेंट है, एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, ये चीज आपको तय करने आना चाहिए, ठीक है। और मैं उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे कई ग्रुप हो जाएंगे, जैसे ओ माइनस तो है ही है, या कभी एनएच माइनस ग्रुप हो गया, या सीएच टू कार्बन आयन हो गया, तो इस तरह के तमाम लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। इस तरह के सारे लोग जो है वो प्लस एम माइनस आई शो करेंगे, प्लस एम प्लस आई शो करेंगे, और एक्टिवेटर और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तीसरा केस लिया जाए यहां पे, तीसरा केस, केस नंबर थ्री, केस थर्ड। थर्ड केस क्या है, अगर मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये कैसा ग्रुप हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है, तो यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, तो आप कह सकते हैं कि है ना ये जो है वो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, इट इज एग्जिबिटिंग माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, ये ग्रुप जो है माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं कह सकता हूं माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जब तक कुछ एक आध स्पेशल केसेस छोड़ के मैक्सिमम केसेस में मीजोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेंट होता है, ठीक है, तो यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है। मीजोमेरिक इफेक्ट के डोमिनेंट होने की वजह से बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर किसी कोई ग्रुप बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए उसको डीएक्टिवेट कर लेता है, यानी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये है ना मीजो माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट है, अगर ये शो करता है तो ये डीएक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा के। अब दूसरी बात क्या है कि अब ये कैसा डायरेक्टर है, तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल से पूछेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, हर बार वो मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि डीएक्टिवेटर होने के साथ साथ ये है ना मेटा डायरेक्टर भी है, मेटा डायरेक्टर ग्रुप है। तो यहां पर मैंने अभी आपको तीन, मेरे पास लगभग पांच केसेस हैं, पांच या छह केसेस हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से मैंने तीन केस आपको बता दिए। एक ग्रुप जो था वो एक्टिवेटर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था और प्लस एम माइनस आई शो कर रहा था, सेकंड वाले केस में प्लस एम प्लस आई था एक्टिवेटर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, और यहां पे माइनस एम माइनस आई है और इट इज एक्टिंग एज दी एक्टिवेटर या है ना मेटा डायरेक्टर। इस तरह के लोगों के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि इस पे या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर पार्शियल पॉजिटिव से भी चलेगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले लोग भी जो है, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले लोग भी माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, अभी मैंने सिखाया, तो एल्डिहाइड हो जाए, चाहे कीटोन हो जाए, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, चाहे ईस्टर हो जाए, ठीक है ना, ईस्टर हो जाए, चाहे अमाइड हो जाए, अमाइड हो जाए, ठीक है, तो तमाम ऐसे लोग जो है ना, चाहे एसिड क्लोराइड हो जाए, एसिड हेलो एसिड हैलाइड हो जाए, ठीक है, तो ये तमाम लोग जो इस तरह के होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ टाइप की चीजें शो करते हैं, ठीक है, है ना वो जो है जिसके ऊपर है ना यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये तमाम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है एक्सेट्रा, और भी लोग हो सकते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, सारे एग्जाम्पल देना यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा ये थर्ड केस था, तो आप सीख रहे हैं कि कैसे ना ग्रुप्स को जज करना है, ठीक है, तो तीन केस यहां पर रहा है, आइए चौथा केस देखते हैं, केस फोर्थ। अब फोर्थ केस में क्या है कि ऐसा ग्रुप हो सकता है जैसे यहां फ्लोरीन लग जाए अगर, ठीक है ना, यहां पे फ्लोरीन लग गया। अब ध्यान दीजिए कि फ्लोरीन थोड़ा स्पेशल है, क्या स्पेशल है इसमें मैं बताऊं आपको, फ्लोरीन के का फ्लोरीन जो इफेक्ट शो करता है
हम उसको कहेंगे क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और आई इसका माइनस आई होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और आप जानिए आज से कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके मीजोमेरिक ना डोमिनेट करके इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्यों करता है ये भी जानिए, फ्लोरीन का इसलिए करता है इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा होगा। तो अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट जिसका डोमिनेंट होगा, मैंने अभी सिखाया डोमिनेंट इफेक्ट से तय होता है कि आप एक्टिवेटर हैं कि डीएक्टिवेटर हैं, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी बेंजीन रिंग पे, ठीक है, आप देख रहे डेल्टा पॉजिटिव हो जा रहा है, और जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, जैसे भी खींचेगा ये, ठीक है, और ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव हो जा रहा है, तो जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी हम कहेंगे कि वो बेंजीन रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है, तो इट इज यहां पे ये डीएक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है, डीएक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा डायरेक्टर होगा, ये हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट से ही तय होता है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट अगर प्लस एम है तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से, है ना, प्लस एम इफेक्ट की वजह से अगल बगल सामने जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में नेगेटिव आ जाएगा, इसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया, ठीक है, इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग केस है जहां डीएक्टिवेटर है लेकिन डीएक्टिवेटर के साथ साथ मेटा डायरेक्टर ना होके डीएक्टिवेटर के साथ साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इससे पहले केस में हमने देखा था कि जब भी कोई चीज डीएक्टिवेटर होती है तो अक्सर बेटा डायरेक्टर हो जाती है, पर यहां पे एक्सेप्शन है, डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यानी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, तो ऐसे ऐसे तमाम ग्रुप में इस तरह के ग्रुप्स का एग्जांपल दे दूं कि ऐसे ग्रुप्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन SOR और NO और NO, ठीक है, ये तमाम ये छह ऐसे ग्रुप है जो जो इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, ये मैं लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, तो यहां पे मैंने लोन पेयर हटा दिया, तो आप देख सकते हैं कि SOR और NO ये एटसेट्रा, है ना, ये वो ग्रुप है जो जो इस तरह का इफेक्ट रखते हैं कि ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही रहते हैं। क्यों क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ये आ जाए, यहां तो इससे डोमिनेट करता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होने से इसकी इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अब क्लोरीन के साथ क्या होता है, तो आप याद रखिए जब भी क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, जब भी क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच होगा होगा क्या, इसका 2p ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होगा। 3p ऑर्बिटल बहुत बड़े होते हैं इसलिए अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता, और अच्छा ओवरलैप अच्छा ना हो तो रेजोनेंस अच्छा नहीं होगा, इसलिए क्लोरीन में अच्छा रेजोनेंस नहीं पाया जाता, और अगर रेजोनेंस अच्छा नहीं होगा तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। यही चीज जो है ब्रोमीन के साथ भी होती है, ब्रोमीन के केस में ये 2p है और ये 4p हो जाता है, तो और बुरा और कम अच्छा ओवरलैप होता है। ऐसे ही आयोडीन की बात करिए, आयोडीन की बात करिए तो मैं कह सकता हूं कि आयोडीन में भी ये 2p है और आयोडीन जो है वो 5p है, 5p है, तो ये दोनों अच्छा ओवरलैप नहीं करते। तो जब भी ये अच्छा ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट इनका मीजोमेरिक इफेक्ट खराब हो जाता है, कम अच्छा हो जाता है ना, सिंस 2p 3p और 2p 4p और 2p 5p ओवरलैप आर नॉट इफेक्टिव, hence they show poor mesomeric effect, they show poor
मीजो मेरिक इफेक्ट। तो यही वजह है कि ये पुअर मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनमें जिनमें मैं यहाँ कह रहा हूँ जो इस तरह के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन है ना, ब्रोमीन और SOR और ये लोग, ये सारे लोग जो है ना डीएक्टिवेटर की तरह काम करते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब तक जो भी एक्टिवेटर होते थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते थे और डीएक्टिवेटर जो है वो मेटा डायरेक्टर होते थे, पर यहां अलग है। यहां डीएक्टिवेटर होने के बावजूद मेटा डायरेक्टर ना होके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या, आगे केस नंबर 5। कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जहां पर आप देखेंगे कि ना आप उसे प्लस एम और माइनस एम में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, इसे आप कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और रेजोनेंस है, और यहां इसके साथ भी ये भी कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है। ना ये प्लस एम और माइनस एम में इसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि ना यहां पर लोन पेयर है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन इलेक्ट्रॉन है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही इसमें कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं साफ साफ कि ये ग्रुप जो, ऐसे ग्रुप भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ग्रुप का केस भी बना लीजिए। ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि दे शो कॉन्जुगेशन, दे शो कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन शो करते हैं और साथ साथ, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन शो करते हैं और साथ साथ है ना इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उतना डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लगभग बराबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं और कॉन्जुगेशन से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो लोग जो है आपके एक्टिवेटर भी होते हैं, दे आर एक्टिवेटर एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटर इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, और इसके साथ साथ आप बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा भी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, इसलिए ये लोग जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाते हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा कि एक ऐसा भी ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन शो करता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है एक्टिवेटर होने के साथ साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे ये तो अटैच है ही है बेंजीन रिंग पे, अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है तब भी वहां पर है ना जो है यही इफेक्ट शो करने को मिलेगा। अगर यहां मान लीजिए एक और बेंजीन रिंग होता तो मैं कॉन्जुगेशन का ही केस कहता, या फिर है ना इस तरह से विनाइल ग्रुप हो एटसेट्रा, इस तरह के ग्रुप जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, पर कॉन्जुगेशन की वजह से, ना कि मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। तो मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप्स जितने हो सकते थे ना पांच तरह के ग्रुप्स बताए। एक ग्रुप था जिसमें प्लस एम माइनस आई था, एक ग्रुप था जिसमें माइनस एम माइनस आई था, एक ग्रुप था जिसमें प्लस एम प्लस आई था, ठीक है, एक ग्रुप ऐसा जिसमें ना प्लस एम माइनस आई है, एक ग्रुप ऐसा जिसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है, नोटेबल बात है, वो मैं बता दूं क्या, कि इस चीज का ध्यान रखिएगा क्या, कि कभी कभी बेंजीन रिंग पे ना ऐसे डायरेक्ट पॉजिटिव मिल जाते हैं आपको, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे तो ये बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे मिल जाए तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसकी वजह क्या है मैं बताऊं आपको, अगर आप इसका डायग्राम बनाइए, ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, तो आप पाएंगे कि अगर मैं इसको वन है ना, अगर मैं इसको कह रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कह रहा हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप पाएंगे 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, यानी यहां पर दो पी ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। 3, 4 के बीच में भी ऐसा ही हो गया, 5, 6 के बीच में भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। और इनफैक्ट ये आपस में ही नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सब आपस में सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये तो 3 पाई बॉन्ड बन गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है कहां। तो एक्चुअली क्या था, यहां पे पहले हाइड्रोजन एटम था, वो हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर चला जाएगा तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो होता क्या है, हाइड्रोजन जो यहां था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना था। भाई ये जो बॉन्ड है
यहाँ जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर बॉन्ड है हाइड्रोजन का तो एक्चुअली sp2 और s के ओवरलैप से बनने वाला ऑर्बिटल होता है। यहाँ भी ऐसा ही था, ठीक है, लेकिन s ऑर्बिटल हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता गया है इसमें, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज छोड़ता गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे देखने में लगता है जैसे इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में होता अगर ये पॉजिटिव चार्ज पी ऑर्बिटल में होता, ये पी ऑर्बिटल में ना होके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और आप जानते हैं कि जब भी दो ऑर्बिटल आमने सामने होते हैं तभी वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। पर यहां जो ये ऑर्बिटल है ये ऐसे जमीन पे गिरा हुआ है और ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, तो भले ही यहां पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पॉजिटिव है पर ये पॉजिटिव रेजोनेंस में नहीं है, बल्कि इनफैक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव होने की वजह से, ठीक है, तो पहली बात इट इज नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है, बिकॉज It is out of the plane. और ऐसा क्यों ना, because it is in sp2 hybridized orbital. ठीक है, sp2 hybridized orbital में एक बात, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि ये stable तो छोड़िए unstable है, ठीक है, it is very unstable. Unstable because क्यों unstable है, क्योंकि sp2 hybridized orbital में s का character 33.33% s character है, और इतना अधिक s character होने पे ज्यादा s character show करने वाले orbital में अगर होगा तो उसकी electronegativity ज्यादा होगी, और electronegativity अगर ज्यादा होगी तो electronegative atom पे positive charge क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इट इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव लार्ज s कैरेक्टर, इनका s कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है, जिससे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अगर होगा तो वो उसको अनस्टेबल बना देगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होने से इसकी इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, जिसके वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसको और अनस्टेबल बना देगा। तो एक्चुअली ये देखने में भ्रम पैदा करता है, लगता है जैसे पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए यहां रेजोनेंस होगा और ये बहुत स्टेबल होगा, ना, ये बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि पहली बात तो वो रेजोनेंस में नहीं है, और दूसरी बात s कैरेक्टर ज्यादा होने से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के रेजोनेंस के चक्कर में ना पड़े, आपसे गलती हो सकती है, ऐसा केस और भी हो सकता है अगर आपको ऐसे बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा नेगेटिव चार्ज मिले तो भी ये अनस्टेबल है, या बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग के ठीक ऊपर अगर आपको लोन इलेक्ट्रॉन मिल जाए ऐसे, है ना, तो भी ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज, चाहे बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे बेंजीन रिंग पे नेगेटिव हो, चाहे बेंजीन रिंग पे लोन इलेक्ट्रॉन हो, वो तीनों केस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसको कंपेयर इस चीज से करना चाहिए कि अगर बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहां का जो ऑर्बिटल है वो वहां के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसको बेंजाइल कहते हैं और इसको फिनाइल कहते हैं। तो फिनाइल चाहे वो कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बेनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। लेकिन बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर ठीक बेंजीन रिंग के कार्बन पे होगा तो अनस्टेबल होगा, लेकिन उसके अगर बगल वाले कार्बन पे होगा तो काफी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होगा। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए इस चीज के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो लास्टली मैं बता दूं आपको फिर से कि अगर बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, या बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, या बेंजीन रिंग के ठीक कार्बन के ऊपर लोन पेयर है तो अनस्टेबल होगा, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और लोन पेयर हो जाए
तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, आपको मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये बताया, और ये भी बताया कि मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप ग्रुप्स को सारे ग्रुप्स को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने यहां पर लगभग 5 केसेस आपको बताए हैं, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी बताया कि कहां पे आपको लग सकता है कि रेजोनेंस है पर रेजोनेंस नहीं होता है। आइए अब इस क्वेश्चन, इस चीज, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ग्रुप्स को समझने के लिए आइए एक ये ड्रिल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, आपको ग्रुप्स कैसे जज करना है ये हुनर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं पहले देखूंगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ग्रुप्स प्लस एम है कि माइनस एम है, प्लस आई है कि माइनस आई है, एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, और बेटा डायरेक्टर है कि ऑर्थोबेटा डायरेक्टर है, ये हमें जज करना। ठीक है, तो आइए यहाँ पहली चीज क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है, यानी ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ठीक, और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम केसेस पे डोमिनेंट होता है, तो अगर कहीं पे प्लस एम डोमिनेंट है तो इसका मतलब वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसकी वजह से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो एक्टिवेटर का काम कर रहा है, और चूंकि प्लस एम इफेक्ट वाले लोग है ना ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं, तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर का भी काम करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो OH ग्रुप है ना, वो एक्टिवेटर भी है और साथ साथ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर भी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे लोन पेयर है तो बिल्कुल ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि लोन पेयर वाले सारे लोग प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये माइनस आई शो करेगा। ठीक, और अब चूंकि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है, तो प्लस एम इफेक्ट जहां भी डोमिनेंट होता है वहां जो स्पीशी है वो एक्टिवेटर का काम करती है, और साथ साथ प्लस एम इफेक्ट से है ना इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं जज कर सकता हूं इसको, इन ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात क्या, NH2। अब यहां पे क्या है, यहां पे भी लोन पेयर है, तो सेम केस हो जाएगा जो पहले अभी हमने देखा, यहां पे प्लस एम होगा, माइनस आई होगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेटर और क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोमिनेट करेगा, तो पहले तीन केस बिल्कुल हूबहू है ना यहाँ पर सेम है। अब यहाँ फ्लोरीन से बात बदलेगी, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसलिए कोई डाउट नहीं कि वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन यहाँ एक फर्क आ जाएगा क्या, यहाँ मीजोमेरिक ना डोमिनेट करके इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट से जब आप माइनस आई से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बेंजीन रिंग में, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी बेंजीन रिंग, तो ये डीएक्टिवेटर का काम करेगा। और डायरेक्टर की जहां तक बात है, वो तो मैंने बताया था कि मीजोमेरिक इफेक्ट सही जज होता है, इसलिए ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है वो है ना डीएक्टिवेटर और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, पिछले वाले केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, भले ही इसके दोनों इफेक्ट सेम है, पर यहाँ ऊपर वाले केसेस में मीजोमेरिक डोमिनेंट था, जबकि यहाँ पे क्या है इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट है। ये चारों केस इसी तर्ज पर हो जाएंगे, चारों केस इसी तरह के होंगे, दो चारों में प्लस एम इफेक्ट है, चारों में माइनस आई इफेक्ट है, और चारों में माइनस आई इफेक्ट भी है, और चारों में इंडक्टिव डोमिनेट भी कर रहा है। अभी मैंने थ्योरी में बताया था, इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में 3p 4p और 5p ऑर्बिटल है, जो 2p ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैप नहीं करते, जिससे इनका रेजोनेंस घट जाता है, तो इसलिए इंडक्टिव डोमिनेट करने लगता है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में सेम रिजल्ट आएगा, तीनों डीएक्टिवेटर कहे जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करने की बात आएगी तो तीनों जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हो गए। आइए नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप्स देखे जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने साइनाइड लिया है, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके वजह से अगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे की एटम पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाए तो वो ग्रुप जो है वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और चूंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, s कैरेक्टर 50% है, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, और अगर कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा,
माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ही इंडक्टिव डोमिनेंट होता है, बाकी सब केसेस में मीजोमेरिक डोमिनेंट होता है। तो यहाँ माइनस एम इफेक्ट से है ना बेंजीन रिंग जो है वो डीएक्टिवेट कर जाएगी, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटर का काम करेगा। और साथ साथ जो है ना माइनस एम इफेक्ट जहां पे भी होता है वहां वहां चीजें जो है मेटा डायरेक्टर हो जाती है, तो ये मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। तो सेम केस यहां हर केस में, यहां सभी केसेस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव। देखिए आप यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी केसेस में एक ही बात होगी, सभी केसेस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से माइनस एम इफेक्ट जो है वो इनका डोमिनेट करेगा, माइनस एम इफेक्ट आ जाएगा। और चूंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp है, ये sp2 है, sp2 है, sp2 है, s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल कार्बन से ज्यादा होगी, और नॉर्मल कार्बन से ज्यादा होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, दे विल शो माइनस आई इफेक्ट, लोग माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और इन सभी लोगों का मीजोमेरिक इफेक्ट एज यूजुअल डोमिनेंट होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन SOR और NO में डोमिनेंट होता है। तो ये सभी लोग जो है वो डीएक्टिवेटर की तरफ बिहेव करेंगे, सेम एग्जैक्टली है ना, सभी कोई डीएक्टिवेटर की तरफ बिहेव करेंगे, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम डोमिनेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, और सारे के सारे लोग जो है ना वो प्लस एम प्लस एम के माइनस एम की वजह से है ना मेटा डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे, तो दे आर मेटा डायरेक्टर, मेटा डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ही एक जैसा था, ऐसे दो क्वेश्चन और भी बचे हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो स्पीशी है वो माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और इन दोनों का ही मीजोमेरिक माइनस एम डोमिनेंट होने की वजह से बोथ ऑफ देम विल एक्ट एज डीएक्टिवेटर, ठीक है। और मौका पड़ने पर जो लोग माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं वो मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो ये दोनों जो है वो मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो ये दे आर ऑल्सो डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर, तो ऐसे ग्रुप्स को पहचाना जाता है। अब यहां आइए, NO और SOR में क्या खास बात थी, ये बिल्कुल फ्लोरीन क्लोरीन की तरह ही है, ब्रोमीन आयोडीन की तरह ही, दोनों लोन पेयर की वजह से है ना प्लस एम शो करेंगे, दोनों लोन पेयर की वजह से प्लस एम शो करेंगे, और दोनों अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नेगेटिव चार्ज से जुड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी होगी इनकी, तो ये लोग है ना आई इफेक्ट जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और मैंने बताया था आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और NO और SOR ये दोनों ये छह ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इसको याद कर लीजिए। वैसे NO और SOR बहुत रेयर है कि आएगा, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है डोमिनेंट होता है इनका, और अगर जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वही तय करता है कि डीएक्टिवेटर होगा कि एक्टिवेटर होगा। तो चूंकि माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर जाएगी, इसलिए ये दोनों डीएक्टिवेटर होंगे। लेकिन मैंने कहा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, यह तय होता है कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट है। अगर माइनस एम होगा तो मेटा डायरेक्टर, और अगर है ना प्लस एम होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये दोनों जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएंगे। अब यहां बात करिए, यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर सिवाय डेल्टा पॉजिटिव के कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी माइनस एम आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, चूंकि अपने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो सल्फर इंटर्न दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इनका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होगा। आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO और SOR में, ठीक है। तो यहां पर माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस एम इफेक्ट अगर कहीं पे है, ठीक है ना, माइनस एम इफेक्ट के वजह से चीजें जो है वो डीएक्टिवेटर की तरह
चूंकि ये डोमिनेंट इफेक्ट है माइनस एम, ठीक है, तो माइनस एम की वजह से ये डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और माइनस एम के से ही ये भी तय होता है कि कैसा डायरेक्टर होगा, तो बिल्कुल जो है ये आपका है ना मेटा डायरेक्टर की तरह एक्ट करेगा। ओ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहीं भी होता है तो वो ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रही है। इंडक्टिव की जहां तक बात है तो आपको मालूम होगा कि ओ माइनस सी एच टू सी एच टू माइनस या एनएच माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट होगा। मीजोमेरिक ही डोमिनेट करेगा, मीजोमेरिक जब भी प्लस एम डोमिनेट करता है तो बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, और साथ साथ जो है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे क्या, आगे सेम जैसा ये केस था वैसे ही ये दोनों केस भी है, ठीक है। क्या इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, और आपको मैंने पहले पढ़ाया है दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्लस आई होता है, ठीक है ना। इन लोगों का बहुत कम लोगों का ही प्लस आई होता है, गिने चुने लोग हैं O माइनस सी ओ ओ माइनस एन एच माइनस सी एच टू माइनस है ना, और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप और मिथाइल, ये 6-7 लोगों का ही प्लस आई इफेक्ट होता है। खैर आप जानते हैं प्लस आई और प्लस एम में हमेशा प्लस एम ही डोमिनेट करता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन SO और SOR, SOR और NO इन केसेस में डोमिनेट नहीं करता, तो यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। प्लस एम इफेक्ट जहां कहीं भी डोमिनेट करता है वो चीज जो है एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करती है, ऐसा मैंने समझाया आपको पहले, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लास्ट के दो केसेस में मैंने आपको बताया था कि इनमें है ना प्लस एम माइनस एम ना होके कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, इनके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, और ये लास्ट केस के रूप में मैंने बताया था इनके इनमें कॉन्जुगेशन होता है, और इस कॉन्जुगेशन की वजह से दोनों जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा बिहेव करते हैं। तो यहां पर मैंने लगभग सारे ग्रुप्स की है ना के बारे में आपको बताया भी, ठीक है, सारे ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको यहां समझाया कि कैसे जितने भी मैक्सिमम ग्रुप्स जो आप प्रैक्टिकली आपको इस लेवल पे काम आएंगे उन सब ग्रुप्स को लेकर यहां पर और उनको जज करना आपको सिखाया। तो आशा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। अब लास्ट चीज जो इस लेक्चर में बच जाती है वो ये है कि फाइनली जाते जाते मैं आपको प्लस एम और माइनस एम का एक सीक्वेंस दे दूं, उस सीक्वेंस को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हाँ ठीक है 90% चीजें समझी हुई है लेकिन 10% चीजें आपको केमिस्ट्री में याद भी करनी पड़ेगी कि क्या सीक्वेंस है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट या किसका मीजोमेरिक इफेक्ट दूसरे से ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये चीज आपको सीक्वेंस के रूप में याद होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस मैं आपको डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं पहले कोशिश करूंगा कि इस सीक्वेंस को हम डेवलप करें, इस सीक्वेंस को हम समझें, और जब हम समझ जाएंगे तब हम फिर उसको याद कर लेंगे लिखकर। तो आइए ना मीजोमेरिक इफेक्ट का सीक्वेंस देखते हैं। आइए अब सीक्वेंस को जानने की कोशिश करते हैं, उसके पहले कि सीक्वेंस हम लिखे हैं हम पहले से जज करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। आपको पता होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो अगर आप इसको देखें कि किसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो मुझे लगता है फ्लोरीन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होगा, क्योंकि इसका 2p और कार्बन का 2p ऑर्बिटल आसानी से ओवरलैप कर पाता है, ठीक है। यहां फ्लोरीन के केस में 3p होगा, ब्रोमीन के केस में 4p होगा और आयोडीन के केस में 5p होगा, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो रेजोनेंस कम होता जाएगा। इससे याद रखिए कि फ्लोरीन का रेजोनेंस प्लस एम सबसे अच्छा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यहां पे देखिए यहां पर सभी 2p है, ये भी 2p है, सारे 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू देना इजी होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होगा, और फ्लोरीन की थोड़ी और ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन देना और टफ होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि ना ऐसा कुछ हो जाएगा, NH2 का ज्यादा होगा OH से, OH का ज्यादा होगा ना फ्लोरीन से मीजोमेरिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रेजोनेंस के थ्रू, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन देने की, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं होगा, और जितना टाइटली नहीं पकड़ा जाएगा एटम के द्वारा उतना आसानी से दिया जाएगा, तो इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। अब यहां OHOR देखिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट है। यहां पर ऑर्बिटल के साइज का डिफरेंस था, यहां पे ऑर्बिटल का साइज सेम है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जज किया। अब यहाँ पे ऑर्बिटल का साइज भी सेम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अब क्या होगा, तो आप जानते हैं कि आर जो है ना उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो OR का यहाँ पे OH से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, जीरो माना जाता है ना, तो यहाँ पे OR का OH से ज्यादा हो गया। ऐसे यहां आइए, यहां पे क्या है, NH2 है, यहां NHR है, NHR में R के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, और यहां पे दो R जुड़े हुए हैं, यहां दो R जुड़े होने से इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, यहां कम बढ़ेगी, यहां और कम बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, तो प्लस एम इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, प्लस एम इफेक्ट इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहां दो अल्काइल ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो प्लस एम शो करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। जहां तक NH2 और PH2 की बात है, तो आप जानिए कि NH2 में 2p ऑर्बिटल होता है और यहां पर 3p ऑर्बिटल होता है। 3p ऑर्बिटल बड़े होने की वजह से अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाएगा कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ, और इसलिए अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूं कि NH2 का रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा। सेम रीजन यहां पे भी है, यहां पे भी है ना, यहां पे ऑक्सीजन में 2p होता है जबकि सल्फर में है ना 3p ऑर्बिटल होता है। 3p ऑर्बिटल बड़े होते हैं इसलिए कार्बन के 2p के साथ अच्छा ओवरलैप नहीं कर पाते, इसलिए बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूं कि OH ज्यादा अच्छा रेजोनेंस शो करेगा SH से, ठीक है। अब ये लास्ट केस बच गया, यहां पे देखिए सभी 2p है, ठीक है, और सब पे नेगेटिव चार्ज है। एक चीज तो श्योर है कि नेगेटिव चार्ज को देना इजी होगा क्योंकि देने के बाद आप न्यूट्रल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, जबकि न्यूट्रल चीज से नेगेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इससे नेगेटिव चार्ज शो करने वाले जितने भी न्यूट्रल ग्रुप्स हैं उनसे तो बेहतर रेजोनेंस शो करते हैं, पर इनका आपस में क्या चक्कर है, तो याद रखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन प्लस एम से देना सबसे ईजी होगा, यानी यहां सबसे अच्छा रेजोनेंस होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी दिक्कत आएगी इसको, और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन देने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, यानी रेजोनेंस घट जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस घट जाएगा यहाँ पे। तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो है मैंने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और उनके मार्फत ये बताने की कोशिश की है कि कौन ज्यादा और कौन कम होता है, ठीक है। अब आइए हम इन चीजों का को एक सीक्वेंस में पिरो देते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज तो श्योर कह सकता हूं कि न्यूट्रल लोगों से नेगेटिवली चार्ज लोग ज्यादा अच्छा रेजोनेंस शो करते हैं, तो ये फाइनल जो मैं सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ प्लस एम इफेक्ट, ये आप समझ तो लिए हैं, इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। क्या सीक्वेंस हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट का, तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले आएगा CH2, नेगेटिवली चार्ज लोग आएंगे CH2 माइनस NH माइनस फिर O माइनस, ठीक है, यहां से O माइनस, ये तो नेगेटिवली चार्ज लोग आ गए। अब बाकी जो लोग बचे उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग लोग लास्ट में आएंगे, बाद में आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा नाइट्रोजन जिसके की एटम में वो अच्छा रेजोनेंस शो करेगा। मैं यहां से फिर शुरू करता हूं, ठीक है, NR2 फिर हो जाएगा NHR फिर हो जाएगा NH2, तो नाइट्रोजन वाले लोग निपट गए। अब ऑक्सीजन वाले देखे जाए, ऑक्सीजन वाले हो जाएंगे OR फिर OH, ठीक है, फिर OH। देखिए इसको हमने क्वेश्चन के मार्फत किया भी था, यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे आप देखेंगे क्या कि ना OR का जो रेजोनेंस है वो OH से क्या होता है ना ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए OR पहले आएगा फिर OH आएगा। तो यहां पे मैंने ऐसा ही किया है, यहां पे OR को पहले रखा है फिर यहां पे OH को रखा है। इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन आ जाएगा, और इतने के बाद ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो इसलिए अच्छा रेजोनेंस नहीं शो करेगा, और फ्लोरीन से क्लोरीन कम इसलिए शो करता है क्योंकि यहां 2p 2p ओवरलैप होता है, यहां पे 2p 3p ओवरलैप होता है, 3p ओवरलैप थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आयोडीन तक आ गया, ठीक है। और लास्टली जो है इसके बाद आ जाएगा आपका, इसके बाद कॉन्जुगेशन शो करने वाले लोग आ जाएंगे, इसके बाद बेंजीन आ जाएगा
और लास्टली जो है ना यहाँ पर हम विनाइल ले लेंगे ऐसे CH ऐसे, तो ये आपका फाइनल जो है ना सीक्वेंस आ जाएगा किसका, प्लस एम इफेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट का सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस मैंने है ना आपको दिया है, इसको आप याद कर लेंगे। इस सीक्वेंस मैं डायरेक्टली भी दे सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पहले इसको क्वेश्चन के मार्फत समझने की कोशिश की और समझ जब लिया है ना, और तब मैंने आपको ये लिख के दिया है, तो आपको समझने में आसानी हुई कि ये लोग शुरू में इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, उसके बाद ये लोग इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होते हैं इसलिए ये इसके बाद आ गए है ना, और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है इसलिए फ्लोरीन इसके बाद आएगा क्योंकि ये कम अच्छा रेजोनेंस शो करेगा। उसके बाद जो है ये पी ऑर्बिटल से जज हो रहे हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल से जज होते हैं, और लास्ट में इनके अंदर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये सीक्वेंस हो गया प्लस एम इफेक्ट का। इसी तरह से आइए माइनस एम इफेक्ट का सीक्वेंस डेवलप करते हैं। अब प्लस एम इफेक्ट का सीक्वेंस डेवलप करने के लिए आइए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस पर सीक्वेंस डेवलप करते हैं। अब जैसे यहाँ पे NO2 है, यहाँ CH है, तो आप देख सकते हैं दो ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ पे इसका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, जबकि इसका डेल्टा पॉजिटिव जो है वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी पॉजिटिविटी की वजह से ही आती है, तो मैं कह सकता हूं कि NO2 का माइनस एम इफेक्ट है ना एल्डिहाइड से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे यहां देखिए तो इसी डेल्टा पॉजिटिव के आधार पर ही सब जज हो जाता है, यहां डेल्टा पॉजिटिव है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिविटी घट जाएगी, और जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना ही प्लस माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं एल्डिहाइड का कीटोन से ज्यादा होता है, ठीक है। यहां ये यहां क्या है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहां तो कुछ नहीं है, पर क्लोरीन में रेजोनेंस नहीं होता, इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, इंडक्टिव करता है, ऐसा मैंने सैकड़ों बार इस लेक्चर में बताया। तो इसके माइनस आई इफेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इससे खींच लिया जाता है, अगर ठीक है इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिव खींच लेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन है ना किसी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होने से खींचने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं एसिड क्लोराइड का जो है ना वो एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, ठीक है ना, इंडक्टर माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। इन सबको अभी मैं लास्ट में पिरो कर एक सीक्वेंस बना दूंगा तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। अब जैसे यहां क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, इस तरह के इसमें यहां पर इस रेजोनेंस की वजह से खूब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे जिससे ये घटेगा, और ये भी घटना चाहिए, लेकिन यहां ये ज्यादा क्यों घटता है, क्योंकि R जो है उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है ना, इस R के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी पॉजिटिविटी काफी घट, इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो रेजोनेंस से उसको देने की जो टेंडेंसी होगी वो भी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा घटेगी, यहां भी घटेगी इलेक्ट्रॉन आने से, कम घटेगी यहां क्या होगा, ज्यादा घट जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर होगा क्या कि चूंकि इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा घट गई, इसकी कम घटी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस एम इफेक्ट जो है वो ईस्टर से ज्यादा होता है। ऐसे यहां देखिए सेम रीजन है, यहां सब में डेल्टा पॉजिटिव है, सब में डेल्टा पॉजिटिव है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव है कार्बन पे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से दिया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, यहां भी है, लेकिन अंतर क्या है, इसके दो अल्काइल ग्रुप होने से यहां ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ज्यादा नेगेटिव अगर इधर आएगा तो पॉजिटिविटी ज्यादा घटेगी, यहां पॉजिटिविटी थोड़ी कम घटेगी, ठीक है, और यहां पर बिल्कुल भी नहीं घटेगी, थोड़ी सी घटेगी, क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है इसके इंडक्टिव इफेक्ट के से, और यहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी घटेगी, कम घटेगी यहां और कम घटेगी। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मीजोमेरिक अच्छा इफेक्ट जो है वो ये शो करेगा, फिर 2 डिग्री एमाइड, फिर 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। अब यहां करिए छठी बात, यहां पे भी वही बात है, डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी है, डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी है, पर यहां पर घटेगा रेजोनेंस की वजह से, और यहां बहुत ज्यादा घट जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जो है
वो ज्यादा आसानी से डीलोकलाइज करता है, क्योंकि उसके जाने के बाद चीजें न्यूट्रल जाती हैं, स्टेबल होती है, जबकि एक न्यूट्रल में से नेगेटिव चार्ज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये कम घटेगा और ये ज्यादा घट जाएगा, तो इसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो COO- जो है विल शो पुअर मेसोमेरिक इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन द सेम लाइंस यहाँ पे भी सेम वही रीजन हो जाएगा, नेगेटिव ज्यादा अच्छा डीलोकलाइज करेगा, जबकि है ना ये जो है ना ये कम अच्छा है ना, CONH2 जो है उसका लोन पेयर कम अच्छा डीलोकलाइज करेगा, तो कम घटेगा, तो यहाँ पे भी ये चीज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस शो करेगा। ऐसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ इस केस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट की बात करें हम यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं क्या यहाँ पर कि एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे भी वही बात है कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसके रेजोनेंस से इसकी पॉजिटिविटी काफी घट जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड जो है वो बेहतर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए अब हम लोगों ने लगभग यहां पर क्वेश्चन के मार्फत सीख लिया है ना, थोड़ा थोड़ा तो दो दो केसेस करके जज किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट जज कर पा रहे हैं। ठीक है, कम से कम दो दो केसेस में तो जज कर ले रहे हैं। अब आइए इसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनल सीक्वेंस इस सीक्वेंस को मैं चाहूंगा कि आप समझते हुए याद कर लें, सीक्वेंस ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो अगर आप माइनस एम इफेक्ट के सीक्वेंस की अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं, तो सबसे पहले है ना इसमें NO2 आता है, NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर साइनाइड आ जाएगा CN आ जाएगा, फिर सल्फोनिक एसिड आ जाएगा SO3H, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, फिर ईस्टर COOR। ठीक है, ईस्टर के बाद, इसके बाद मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं है ना, ईस्टर के बाद CONH2, फिर CONHR, फिर CONR2। ठीक है, तो ये सब क्लियर है कैसे हो रहा है, और लास्ट में COO- आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सीक्वेंस आ जाता है। मैं फिर से बता दूं, यहां पे NO2, साइनाइड, SO3H, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और ईस्टर के बाद फिर अमाइड, 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड। आप देख लीजिए ये तीनों को मैंने यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाया है यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाया है। अगर आप इसकी बात करिए कि ना क्या कि COH और COR की बात करिए, तो यहां पर मैंने है ना इस क्वेश्चन नंबर 4 में उनको जज किया है, तो आप पाएंगे कि ये जो मैंने यहां पे सीक्वेंस डेवलप किया है, ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं टिटबिट्स में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन के मार्फत आपको समझा दिया है कि क्यों कोई किसी से ज्यादा होगा, कोई क्यों किसी से कम होगा। अब आज मैं सेटिस्फाइड हूं कि इस लेक्चर में मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में सब कुछ बताया कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर क्या होते हैं, समझाया मैंने, ये भी समझाया आपको कि है ना कैसे ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कैसा डायरेक्टर होगा, कैसा एक्टिवेटर होगा, कि डीएक्टिवेटर होगा, ये भी सिखाया मैंने आपको, और लास्टली मैंने आपको एक सीक्वेंस डेवलप करके दे दिया जिसमें ग्रुप्स की ग्रेडेशन है कि कौन ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, फिर उससे कम। ये सब क्वेश्चंस में करने में आपको काफी मदद करेंगे, तो इस सीक्वेंस को आप हो सके तो समझकर मेमोराइज भी कर लीजिए। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9th में, ये लेक्चर नंबर 8 था, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9th में और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।